हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ दलिया की रेसिपी, जिसे मीठी दलिया भी कहा जाता है। इसे मैंने खजूर गुड़ के साथ बनाया है, जिससे इसका स्वाद तीन गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे बच्चों से लेके बूढ़े तक बड़े चाव से खाते हैं और दलिया रेसिपी बहुत ही हेल्दी फूड है। वैसे भी दलिया की खीर बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट रेसिपी है। तो चलो देरी ना करते हुए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी को शुरू करने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास के बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलो रेसिपी को शुरू करते हैं। तो रेसिपी को शुरू करने से पहले मैंने पैन को चढ़ा दिया है और इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। तो पैन जैसे गर्म होता है, उसके बाद हम इसे दो बड़े चम्मच घी का यूज़ करेंगे। तो मैंने कढ़ाई पैन में दो बड़े चम्मच घी डाल दिया है और घी को गर्म होने के लिए हम छोड़ देते हैं। जब जैसे ही घी गर्म होता है, उसके बाद मैंने आधी कटोरी दलिया को लिया है, उसे हम घी में डाल देंगे और इसे लगातार चलाते जाएंगे जब तक दलिया का कलर लाइट ब्राउन कलर का ना हो जाए। तो इसे कंटिन्यूसली आपको चलाना है, एक बार भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे चलाते चलाते छोड़ देंगे तो दलिया जल जाएगा। तो इसे आपको कंटिन्यूसली स्टेयरिंग करते रहना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ वीडियो में। आप इसे अपनी फैमिली के जितने मेंबर के लिए बना रहे हैं, उस हिसाब से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। और वैसे भी आप दलिया जितना लेते हैं क्वांटिटी में, उसका फूल कर डबल बन जाता है। अब मेरा दलिया लाइट ब्राउन कलर का हो चुका है। अब मैं इसमें दूध मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधे कटोरी दलिया के लिए 1 लीटर दूध का यूज़ किया है। तो मेरा दूध मैंने डाल लिया और मैं इसे कॉन्टिन्यूसली स्टेयरिंग करती रहूँगी, जिससे कि दलिया मेरे पैन में ना चिपके। और यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए हैं, जिसमें से मैंने बादाम, काजू और किशमिश का यूज़ किया है। अब मैं इन्हें छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। तो यहाँ पर मेरा वो दलिया है वो भी फूलना शुरू हो चुका है। इसे स्टेयरिंग करते रहना और दूध की क्वांटिटी भी कम होती जा रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसे अच्छे से मैं चारों तरफ से चला दूंगी और इसे चलाते रहना है। तो मेरा जो ड्राई फ्रूट्स है उसे मैं यहीं पर डाल दूंगी। आप चाहे तो कुछ ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं और उसे लास्ट में गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सारे के सारे एक साथ डाल दूंगी और अच्छे से इन्हें मिक्स कर लूंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, चारों तरफ से अच्छे से आपको कच्चे की सहायता से हिला हिला के चलाना है, क्योंकि नहीं तो ये चिपक जाएगा नीचे। अब मैंने यहाँ पर खजूर गुड़ को ले लिया है। तो ये खजूर गुड़ पटाली के हिसाब में है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस वाले को आपने यूज़ करना है। आप चाहे तो लिक्विड फॉर्म वाला खजूर गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने इसे दे दिया है और इसे ये अपने आप पिघल जाएगा थोड़ी देर के बाद। तो मैंने इसे डाल दिया और इसे ढक कर मैं इसे पकने दूँगी। तो आप देख सकते हैं मेरा जो खजूर गुड़ है वो गल चुका है और इसका कलर भी कितना अच्छा लाइट ब्राउन कलर का आ चुका है। और थोड़ा सा बचा हुआ है खजूर गुड़ गलने के लिए, उसे भी मैं अच्छे से चला दूंगी और वो अपने आप गल जाएगा। और आप देख सकते हैं मेरी क्वांटिटी जो दूध की है वो भी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और इसे मैं अच्छे से चलाऊँगी, क्योंकि अभी ये नीचे लगने का इसमें लग सकता है, इसलिए इसे आपको चलाते रहना है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा दूध का जो क्वांटिटी है और दलिया की क्वांटिटी बढ़ चुकी है और दूध भी गाढ़ा हो चुका है। और इसे आप चलाते रहिए। और लास्ट में मैं इसमें ये फिनिशिंग का स्टेप है, इसमें अब मैं इलायची पाउडर डालूंगी। तो मैंने सिलवट्टे में इलायची को पीस लिया है और इसे डाल दूँगी और हमारा दलिया बनकर, दलिया की खीर बनकर रेडी हो चुकी है। तो मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये 4 लोगों के मेरा दलिया बन चुका है। तो बस मेरे दलिया रेसिपी बनकर तैयार है। होप आपको ये वीडियो पसंद आए होगी और ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।